हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक जरीवाला। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको पहले दिखाया था अडेनियम के प्लांट में कैसे फ्लावर्स आ सकते हैं। मेरे पास पहले ये था पौधा, देखिए जिसका मैंने दिखाया अभी था आपको, उसमें एक भी फ्लावर नहीं आता था। अभी मैं आपको डिटेलिंग दिखाऊँगा कैसे मैंने उसके ऊपर फ्लावरिंग और वो सब पाया है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा इसमें क्या प्रोसेस करना है। देखिए ये बॉन्साई पे पहले इस टहनी की तरह एक भी पत्ती नहीं थी, सिर्फ एंड पे पत्तियाँ थी उसमें। उसके बाद में अभी देखिए ये दूसरी जो टहनी है, इधर अच्छे से पत्तियाँ भी आ रही है और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। और ये टहनी के आगे के पोर्शन में बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अडेनियम का प्लांट है। उसको पहले जीनस नाम दिया गया था, डिस्क्राइब किया गया था जीनस नाम से 1819 में। ये बेसिकली उसका नेटिव साउथ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला है, तो वो उधर ही पहले होते थे, उधर से फिर हर जगह पे होने लगे हैं। ये अडेनियम का प्लांट है, उसमें देखिए पहले ये जो टहनी थी पूरी उस पर कुछ नहीं था, और ये वाली टहनी भी उसी टाइप में थी, उधर भी कोई भी ग्रोथ या कुछ नहीं था। उसके बाद में मैंने उसके गमले में मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की, ये मिट्टी है उसको अच्छे से गुड़ाई कर दी, और उसके बाद में उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डाला। वो फर्टिलाइज़र डालने के बाद, और दूसरा है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र, वो हम डालेंगे तो उसके बाद में बहुत सारे फ्लावर्स उसमें आते हैं। देखिए इसमें दो, एक फ्लावर है, एक कली आने वाली है और उसमें भी फ्लावर आएगा, और इधर भी एंड में है, तो उधर फिर से पत्तियाँ बनेगी और उसके बाद में फिर से फ्लावर्स आएंगे। पहले जो शॉर्ट्स मैंने इसका बनाया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या ऊपर दिए गए आई बटन में आप देख सकते हैं, तो वो शॉर्ट्स में आप अच्छे से देख सकते हैं उस टाइम पे ये प्लांट की कंडीशन क्या थी और मेरे जो प्रोसेस किया है उसके बाद में इसकी कंडीशन कैसी है, उसका ग्रोथ कैसा है, फ्लावर्स भी आने लगे हैं। और हाँ, अडेनियम के प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए, उसको सनलाइट मिलेगी अच्छे तो अच्छा ग्रोथ होगा, और दिसंबर टाइम में उसमें फुल ऑफ फ्लावर्स आते हैं, तो अभी टाइम है उसका अच्छे से मेंटेनेंस करने का। मेंटेन करके फिर उसको आप सनलाइट में अच्छे से रखेंगे तो फिर उसमें अच्छा ग्रोथ होने लगेगा और बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे आपके अडेनियम के प्लांट पे, और नई नई ब्रांचेस भी निकलेगी। उसका फुल डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में अपलोड करूँगा, उसमें आप देखिएगा कैसे उसका प्रोसेस करना है और कैसे उसका फिर से अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको लगे कि मेरे कंटेंट में आपको कुछ डिटेल चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलिए, तो मैं अपने हिसाब से जो भी पॉसिबल हो सकेगा वो डिटेल्स आपको दे सकूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Bye-bye.